हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर रजनीश। आज आप लोगों को कंस्टिपेशन के बारे में बात करेंगे। तो कंस्टिपेशन का हिंदी में कब्ज कहते हैं, पहले आप यह जान जाए कंस्टिपेशन कहते किसको है। तो पेट का साफ ना हो पाना, इसी को कंस्टिपेशन कहते हैं। कंस्टिपेशन का होम्योपैथिक में बहुत सारे मेडिसिन हैं, उसी में से एक मेडिसिन आज फिर आप लोगों को बतलाएंगे जो कंस्टिपेशन पर बहुत ही बेटर काम करती है। तो आज के लाइफस्टाइल में कंस्टिपेशन लगभग बहुत सारे लोगों को है। कहने का मतलब है कि 100 में 60-70% लोग कब्ज से परेशान हैं, कंस्टिपेशन से ग्रसित हैं। किन कारणों से एक कंस्टिपेशन हो रहा है आज के डेट में ज़्यादा, तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। जैसे ज़्यादा बैठ के काम काज करना, परिश्रम ना कुछ कर पाना, बस बैठे बैठे काम करना, बाहर का खान पान में बहुत सारी गड़बड़ियाँ, टाइम पर ना खा पाना, ये सब कारण है कंस्टिपेशन का। अगर आप कंस्टिपेशन के पेशेंट हैं और आप खुद थोड़ा जागृत हो जाते हैं तो कंस्टिपेशन कोई बड़ा केस नहीं है, इसे आप खुद भी दूर कर सकते हैं। और अगर खुद कोशिश करते हैं और कंस्टिपेशन नहीं दूर होता है तो थोड़ी होम्योपैथिक मेडिसिन खाएं, बहुत ही बेहतरीन काम करती है। तो आज हम आप लोगों को जो कंस्टिपेशन का मेडिसिन है, उस मेडिसिन का नाम है Y-Lax। ये Y-Lax मेडिसिन है वैक्सीन कंपनी की, जो कंस्टिपेशन के केस में बहुत ही अच्छा काम करती है। टैबलेट फॉर्म में दोस्तों, इसे रात में 2 गोली खाएं, आपका कब्जियत दूर होगा इंशाल्लाह। तो Y-Lax मेडिसिन क्रोनिक कंस्टिपेशन में भी चलती है, एक्यूट कंस्टिपेशन में भी चलती है। अगर हल्की फुल्की कंस्टिपेशन है तो 1 गोली रात में लें, और अगर क्रोनिक कंस्टिपेशन है तो 2 गोली लें, बहुत ही बेहतरीन काम करती है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से एक चीज आप लोगों को बतलाएंगे, कंस्टिपेशन के केस में थोड़ी सी जागृति आपको भी दिखानी होगी। अगर आपको कंस्टिपेशन है तो टाइम पर खाना खाएं, फास्ट फूड छोड़ दें, वाइली फूड ना खाएं, थोड़ा शारीरिक मेहनत करें, और उसके बाद ही प्रॉब्लम होता है तो ये मेडिसिन खाएं। क्योंकि कोई भी मेडिसिन ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, अगर आप खुद से दूर कर लेते हैं मेहनत करके तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन आज हम आप लोगों को बतला दिए Y-Lax मेडिसिन ये टेबलेट फॉर्म में है, बहुत ही बेहतरीन काम करती है कब्ज में, एक्यूट हो या क्रोनिक हो। तो मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा।